चैनल मैथ विजार पर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का जो आपको सीट चैप्टर चल रहा था, इसके पहले मैंने इसका बेसिक वीडियो और इसका एग्जांपल का वीडियो हमने लोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। उसका अब एग्जाम्पल हमारा आज 5 और आपको 5-4 किया जाएगा। देखते हैं आपको, सबसे पहले हमने 5 लिखा है, इसके बाद आपको 4 बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि बाई, देखिए कह रहा है कि बाई और रोस्टर, कह रहा है कि आपको दो साइड होता है, दाएं और बाएं होता है ना, तो कह रहा है कि बाई और रोस्टर रूप में वर्णित है। वर्णित मतलब लिखा हुआ है। अब प्रत्येक समूचे को दाई ओर आपको समूचे निर्माण, कह रहा है कि आपको बाएं तरफ आपको रोस्टर रूप में लिखा है, रोस्टर रूप, इसी को हम लोग दाएं तरफ इसका क्या लिखा है, इसके दाएं तरफ इसका समूचे निर्माण रूप लिखा है। मैंने कहा कि यह आपको रोस्टर रूप में है या आपको बाएं साइड वाला और दाएं साइड वाला किस में रूप में है, तो आपको समूचे निर्माण रूप में, इसी सवाल को समूचे निर्माण रूप में लिख दिया है। तो कह रहा है कि निर्माण रूप में लिखा है रूप में, तो समूचे का वर्णित सही मिलान कीजिए। तो कह रहा है कि इसमें सही मिलान मतलब कि कौन सा इसमें रोस्टर रूप में कौन सा सही आपको लिखा है सारणी निर्माण रूप में, उसको मैच करना है। तो ऐसे चीज़ों को सबसे अधिक सबसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऐसी चीज़ें मिलान करने के बाद है ना, तो आप हमेशा बनाइए सारणी निर्माण रूप से, क्योंकि इधर से अगर बनाइए जल्दी से इधर मैच कर जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि पहला का मैच करना कि इसका कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए कह रहा है कि एक्स कोलन एक्स, यानी एक्स कोलन एक्स एक धन पूर्णांक है, यानी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक संख्या प्लस वाली संख्या, तथा 18 का भाजक हो। 18 का भाजक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या धन पूर्णांक है जो 18 का भाजक है। भाजक का मतलब अगर 18 में जिस संख्या से भाग दे 18 कट जाती है, तो जिस संख्या से भाग कीजिएगा ना वो इसका भाजक कहलाएगा। तो देखिए खुद कह रहा है कि धन पूर्णांक है तथा जो 18 क्या है भाजक, यानी ऐसी पूर्णांक है जो 18 का भाजक भी है, यानी वो पूर्णांक से अगर 18 में भाग करें ना तो पूर्णतः कट जा रहा है, तभी तो 18 का भाजक कहलाएगा। कौन कौन हो जाएगा, देखिए 18 आपको कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, आपको 18 का 18 नहीं कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और खुद का 18 से भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब इसको अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो हम जानते हैं रोस्टर में मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। प्रत्येक जो भी संख्या जो प्रत्येक अव्यय के बीच अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं, देखिए 1 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 9 से भी, 18। अब इससे तो बड़े अंक से नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका मिलान हो जाएगा किससे, देखिए किससे मैच कर रहा है, तो आप ए वाला का जो आंसर है ना वो मैच कर रहा है आपको, देखिए 3 नंबर से, यानी ए का मैच हो जाएगा किसका, यानी आपको 3 का मैच ए से हो जाए, चाहे ए का मैच 3 से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब आते हैं इसका 2 नंबर, यानी बी नंबर को हल करते हैं। अगर बी नंबर को देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि वही सवाल है, इसमें भी कह रहा है एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है। देखिए पहले वाला से थोड़ा सा इसमें अंतर है, क्योंकि उसमें एक धन पूर्णांक नाम रख दिया था, जबकि इसमें ऐसी बात नहीं कहा, इसमें कहा है कि एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक का मतलब होता है, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिला दीजिए वो पूर्णांक हो जाती है। तो कह रहा है पूर्णांक है तब कौन, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। तो कह रहा है जहाँ पर और एक्स और बोल रहा है कि और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजल टू 0 भी दिया, जबकि इसका इक्वेशन बनाकर आपको पहले से दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजल टू 0 है, तो बताइए इसमें कौन कौन धनात्मक पूर्णांक होगा। इस कंडीशन में हम इसको हल करेंगे, जो पूर्णांक हमारा यहाँ पर दिया इसको सॉल्व कर लीजिए, और उसका जो पूर्णांक हल मैंने पूर्णांक का मान निकालने का मतलब एक्स का अगर वैल्यू निकालेगा वही तो इसका पूर्णांक कहलाएगा। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर निकालेंगे एक्स स्क्वायर बराबर तो आपको प्लस का 9 हो जाएगा, और एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट स्क्वायर को बराबर के बाहर भेजिए तो रूट हो जाएगा, आप वर्गमूल से निकलता है तो जानते हैं कि प्लस माइनस में हो जाता है। इसका मतलब एक बार प्लस में रहेगा 3, एक बार माइनस में रहेगा, इसका मतलब यही होता है ना। देखिए किससे मैच कर रहा, तो आप कहेंगे सर ये तो मैच कर रहा आपको 4 नंबर से, यानी आपको बी का मैच हो जाएगा 4 से, हो जाएगा ना। अब आते हैं इसका बाद हम लोग हल करते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर भी वही आपको बी नंबर की कुछ तरह है, इसमें भी कह रहा है कि एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब धनात्मक या दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद कह रहा है और जहां आपको इक्वेशन बना कर दिया है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो बताइए इसमें कौन सा इसका पूर्णांक होगा इस चारों में से। हम इसको सॉल्व करेंगे, जो पूरा इसका इक्वेशन दिया है सी नंबर का उसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 1, एक्स बराबर 1 माइनस 1 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी इसका जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा 0 होगा। देखिए 0 दिया है इसमें, देखिए 2 नंबर में दिया है, यानी यह आपको सी नंबर का मिलान आपको 2 से हो जाएगा, ऐसे ला सकते हैं।
अब आता है कि डी नंबर सर, तो डी नंबर तो बहुत आसान है, जैसे कि हमने इसका बेसिक में स्कूल का बताया था वो सारी जगह। कह रहा है कि देखिए आपको इसमें क्या दिया है कि आपको लिख दिया इसमें डी नंबर में आपको लिखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल शब्द को रोस्टर रूप में सजा दीजिए। रोस्टर में सजा क्या होता है, इसमें रोस्टर में होता है कि प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम का चिन्ह लगाकर लिखा था और किसी भी अवयव को डबलिंग नहीं, मैंने दोबारा नहीं लिख रहा था। अगर सजाइएगा इसको देखिए क्या हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, एक एन हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। आई नहीं लिख सकता क्योंकि आई एक बार आपने लिख दिया है, उसके बाद आपको पी हो जाएगा, पी तो आपको लिख दिया, पी भी नहीं लिखेंगे, एल नहीं लिखे, ए हो जाएगा, उसके बाद आपको एल हो जाएगा। देखिए किससे मैच कर रहा है, देखिए तो आप कहेंगे सर ये आप तो इससे मैच कर रहा है, अरे इसमें किसी भी अवयव को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, हाँ लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे, भले आगे पीछे करके आप लिख लीजिए चलेगा, लेकिन दोबारा नहीं लिख सकते उसको। तो ये आपको हो जाएगा रोज, देखिए ये आपका डी नंबर का मैच कर रहा है वन से, यानी वन मिल जाएगा डी से, तो ये आपका सबका मिलाकर कितना अच्छा है। अब आते हैं इसके बाद हम इसका फोर नंबर जानते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, हम आगे बताते हैं आपको। देखिए चाहते स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसका आपको चार नंबर देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न वाली आगे बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके पहले जितना भी पांच उदाहरण था एग्जांपल, हमने सबका एग्जांपल लिख करके हमने बता दिया है। अब इसका हम लोग आपको चार नंबर देखते हैं। देखिए चार नंबर भी बहुत सिंपल एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समुचे आपको लिखा है, समुचे जिसमें आपको मान दिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, उसके बाद आपको 5/6, उसके बाद 6/7 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसको क्या लिखना है, इतना को समुचे निर्माण रूप में लिखे, निर्माण रूप में लिखे, चाहे लिखे बात बोल पर। तो कैसे बनाएंगे समुचे निर्माण रूप में, एक बात है कि समुचे निर्माण रूप में लिखने का तरीका होता है कि उसमें हमेशा अंकुलन का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे कि मैं बता दूं एक्स कुलन एक्स लगा कर लिखा जाता है, ये तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद जो अवयव होता है यहाँ का, वो एक विशिष्ट गुणधर्म के अंतर्गत लिखा जाता है इसका। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन सा विशिष्ट गुणधर्म चला है, तो देखिए ये तो प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, गिनती की संख्या भी है, गिनती की संख्या तो अनंत जाता है, इच्छुए तक हो गया, कैसे लिखें देखिए। तो क्या चला है आपको क्या लग रहा है, क्या चला होगा, सम भी नहीं विषम भी नहीं, क्योंकि सब मिला जुला सरकार है इसका। अब देखते एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि ऊपर वाला से ना नीचे वाला एक बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना एक बढ़ा हुआ, देखिए दो से एक बढ़ा है इसमें भी, यानी एक बढ़ रहा है ना, देखिए ऊपर दो है तो नीचे कितना है तीन, उसी तरह ऊपर चार है तो नीचे क्या है पाँच, पाँच ऊपर है तो क्या है छः, ऊपर छः है तो क्या, यानी नीचे वाला ऊपर वाला से एक बड़ा चल रहा है, जो भी मान हो रहा है वो ऊपर वाले से कितना नीचे वाला क्या हो रहा है एक बढ़ का आ रहा है। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं इसका क्या, यानी इसमें चल देखिए ऊपर अगर एन होता है तो नीचे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक बढ़ कर रखाएगा कि नहीं रखाएगा, आसानी से रखा सकता है। तब क्या करेंगे इसको, तब इसको सजाएंगे ऐसे, अब लिखेंगे ऐसे एक्स मान ले किसी बराबर, हमने ए बराबर मान ले इसको, एक्स को लेने हो गया, अब यहाँ पर लिख देंगे यह नियम चल रहा है। अब कैसे यह नियम चला है, एन का मतलब होता है गिनती के संख्या, अब कहाँ तक चला है गिनती वो भी लिमिटेशन आपको लिखना होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं एन बटा एन प्लस वन, ठीक है। जहाँ मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जहाँ कि जो n का मान होगा ना वो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा और एक के बराबर, लेकिन देखिए अधिकतम कहाँ तक जा गया सात तक आपको, अब उसके बाद आपको हो जाएगा अधिकतम, देखिए ऊपर छः है ना, छः तक जाएगा यानी सिक्स यहाँ तक, यानी इसका मतलब समझिए, यह कह रहा है कि जो यहाँ पर n का मान रखाएगा ना, जो n का मान रखाएगा वो n का मान एक से बड़ा होगा और एक के बराबर, एक से बड़ा का मतलब होता है कि दो तीन चार पाँच और एक के बराबर, यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह लगा है, n का मान एक से बड़ा और बराबर, यानी एक भी रहेगा और एक से बड़ा भी रहेगा, और कहाँ तक, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है n का मान छः से छोटा और छः के बराबर भी है, यानी अधिकतम आपको छः से जाएगा और छः से छोटा, मतलब छः भी होगा और छः से छोटा भी, ऐसे हम लिखा था देखिए एन का मान अगर एक से बड़ा कीजिएगा एक के बराबर, तो एक भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा, पाँच भी हो जाएगा, और कह रहा है कि एन का मान छः से छोटा या छः के बराबर भी, यानी छः की तो यही समझा ना, अब रख के देख लीजिए। और एन का स्थान पे अगर रखते हैं इसमें से, एन का स्थान में से इसमें कोई भी रखिएगा, एन के स्थान से इसमें कोई भी रखेंगे, एन के वैल्यू अगर ऊपर एक रखते हैं तो नीचे एक प्लस एक,
यानी 1/2 हो जाएगा। ऊपर अगर 2 रखते हैं तो ऊपर 2 तो 2+1 यानी 2/3 हो जाएगा। आ जाएगा ना, देखिए अगर रखते हैं मान लीजिए ऊपर अगर रखते हैं 1, नीचे देखिए 1+1 यानी आपको 1/2, और ऊपर रखते हैं एन का वैल्यू, अब 2 रखते हैं, हमने 1 रख दिया है, 2 रखते हैं एन का वैल्यू, तो 2+2+1 यानी आपको 2/3 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप सजा सकते 6 तक जाएगा या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपको किस रूप में हो गया, तो यह आपको हो गया समुचे निर्माण रूप में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।